मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज द थिंग इज यू शुड बी अलाउड टू बी योरसेल्फ, ही इज दैट वे. मुझे नहीं लगता रणवीर सिंह कभी किसी चीज़ को करते हैं विदाउट बीइंग हिमसेल्फ. कोई दिखावा नहीं है उनमें. आप अभी उन्हें 10 11 12 साल से देखते हैं एज मीडिया, व्हेन ही कम्स इन दिस वार्म, दिस एंजॉयमेंट, दिस एनर्जी, वो उनकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है. उनकी मर्जी है, उनका सोशल मीडिया, उन्हें सही लगता है इस वक्त टू बी इन दैट वे दैट ही वॉन्ट्स टू बी, वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट बींग कम्फर्टेबल इन हिज ओन स्किन. एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट. हैविंग एन ओपिनियन इज फेयर. आई थिंक ट्रोल्स को तो वैसे ही, मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में, बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना. आपको जो ठीक लगता है आपको करना चाहिए. एंड फुल क्रेडिट टू द बॉय इफ ही इज वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, इफ ही इज नॉट बीइंग फोर्स्ड इनटू इट एंड इट्स नॉट बीइंग डन इन अ रॉन्ग वे और अ क्रूड वे, यू शुड रिस्पेक्ट दैट. ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू एंड बी हैप्पी, एंड ही इज मेकिंग पीपल हैप्पी बाय डूइंग दैट आल्सो. अपनी फिल्म के स्टार कास्ट के साथ अर्जुन कपूर जगह जगह पर अपनी फिल्म एक विलेन रिटर्न्स को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं. इस दौरान जब अर्जुन से उनके क्लोज फ्रेंड रणवीर सिंह के लेटेस्ट न्यूड फोटोशूट को लेकर क्वेश्चन किया गया, तो एक्टर ने बड़े जबरदस्त अंदाज में अपने फ्रेंड को सपोर्ट किया और साथ ही रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें कोई दिखावा नहीं है. आप सभी लोग रणवीर को 11-12 साल से देखते आ रहे हैं, वो जो भी करते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने जो भी किया उसमें उनकी मर्जी है, उसमें उनका कंफर्टेबल लेवल है और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए. इसके साथ ही अर्जुन ने ट्रोलर्स पर ध्यान ना देने की सलाह देते हुए कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, आपको जो ठीक लगता है आपको करना चाहिए. लास्ट में अर्जुन कपूर ने अपने फ्रेंड का सपोर्ट करते हुए कहा, अगर रणवीर को इससे खुशी मिलती है तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, वो जो भी करते हैं उन्हें करने देना चाहिए. वैसे जिस तरीके से अर्जुन कपूर अपने फ्रेंड को डिफेंड करते हुए नजर आए, उससे एक बात तो साफ है कि उन्हें ना सिर्फ रणवीर बल्कि उनसे जुड़े किसी भी शख्स के खिलाफ सुनना या बर्दाश्त करना पसंद नहीं है. आपको बता दें कि अर्जुन से पहले एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी रणवीर सिंह का सपोर्ट करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत में अन्याय और उत्पीड़न के मामले रोजाना सामने आते हैं, लेकिन हमारी नाराजगी रणवीर सिंह की तस्वीर के ऊपर निकलती है. मैं कहना चाहती हूं कि अगर पसंद नहीं करना तो मत देखो, पर अपनी राय हम पर मत थोपो, यह कोई नैतिक मुद्दा नहीं है. वाकई इन सभी इंसिडेंट से एक बात तो साफ तौर पर पता चलती है कि जहां ट्रोलर्स एक साथ मिलकर इन स्टार्स को टारगेट करके कमेंट करते हैं, तो वक्त आने पर ये स्टार्स भी अपनी यूनिटी दिखाने से पीछे नहीं हटते. बॉलीवुड से आईएनएस की रिपोर्ट.